कहानी के शुरू में हम सुनसान जंगल में एक लकड़ी का बॉक्स देखते हैं, जिसमें एक लड़की को कैद किया गया था। इस कैद से आजाद होने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा चुकी थी, यहाँ तक कि उसके नाखून भी टूट गए। पर फाइनली अब बॉक्स खुल गया, जिसमें से निकलकर वो फौरन अपनी जान बचाने के लिए भागी। उसका पूरा जिस्म जख्मी था और पेट पे टांके लगे थे। थोड़ी दूर जाने पे अचानक से पीछे से आता आदमी उसके ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। जब वो होश में आई तो उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन को एक दरख्त के साथ बांध दिया गया है। पांव के नीचे हल्की सी स्पोर्ट है, यानी एक तरह का उसे फांसी देने का सेटअप किया गया था, जिसे बनाया था सामने खड़े इस आदमी ने। ये आदमी एक साइकोपैथ है, उसे लोगों को दुख देकर खुशी मिलती है। इस लड़की ने किसी तरह अपने आप को आजाद करवा के यहाँ से भागना था। उसके पास इस काम के लिए और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ एक ब्लेड थी। हैरानी की बात यह कि ब्लेड उसके हाथ में नहीं बल्कि पेट के अंदर थी, जिसे भी लड़की के पेट के अंदर इस साइकोपैथ ने रखा था। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो थोड़ा दर्द उसे सहना ही था। लड़की बहुत ही हौसले से दर्द बर्दाश्त करते हुए अपने पेट के टांके खोलकर अंदर से ब्लेड निकालने की कोशिश में लग जाती है, जो करते हुए उसकी सारी आंतें बाहर निकल चुकी थी। आखिर ब्लेड को निकालते ही वो लड़की अपने गले की रस्सी काट कर अपने आप को आजाद करती है। जब फौरन ही साइकोपैथ उसके पास आकर उससे पूछता है, क्या मेरे साथ अब ये खेल और कंटिन्यू रखना चाहोगी? आगे वो उसे कितना दर्द और टॉर्चर और देता, ये सोचते हुए वो लड़की उसे ना में जवाब देती है और खुद ही साइकोपैथ की उसके सर पे रखी हुई गन से अपने आप को शूट करके खत्म कर देती है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें होप नामी एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपनी बेटी के पास बैठी थी। और अगले ही सीन में अब हम होप को उसी लकड़ी के बॉक्स में देख रहे थे, जिसमें से पहले एक लड़की निकल कर भागी थी। होप भी उसी लड़की की तरह बहुत ज्यादा जख्मी है, उसके पेट में भी टांके लगे हैं, जहाँ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। पता चला है कि इस आदमी ने होप को उसके घर से ही किडनैप कर लिया था। होप ने भी इस बॉक्स से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। और जब उस साइकोपैथ को ये बात पता चली तो उसने खुद ही होप को इस बॉक्स से बाहर निकाल लिया। यहाँ साइकोपैथ उसके सामने नहीं आया। होप को यहाँ सबसे पहले जिसका ख्याल आया वो उसकी बेटी थी, जिससे ढूंढने के लिए वो जंगल में भागी, जहाँ जंगल में उसे अपनी बेटी का डैडी मिलता है। न जाने उसे क्या हो गया होगा, यही ख्याल होप के दिल में था और इसी वजह से वो रो रही थी कि अचानक पीछे से साइकोपैथ आकर उसके सर पे डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब होप को होश आया तो वो भी पहली वाली लड़की की तरह दरख्त से बंधी थी। गर्दन के नीचे छोटी सी स्पोर्ट, यानी फांसी वाला सेटअप। होप सामने ही एक दरख्त पे एक मरी हुई लड़की को भी देखती है, जो जाहिर सी बात है अपने आप को यहाँ से आजाद करवाने में नाकाम रही होगी और मर गई। होप ने क्योंकि काफी देर तक कुछ नहीं किया था, इसलिए यहाँ साइकोपैथ आकर उसे एक लकड़ी देता है। होप समझ चुकी थी कि उसे अब अपने पेट के टांके निकालकर पेट के अंदर के ब्लेड को बाहर निकालना है। वो अपने लिए तो शायद ये काम ना करती, लेकिन उसे यहाँ से आजाद होकर अपनी बेटी को ढूंढना था। अपनी बेटी के लिए ही सारा दर्द सहते हुए वो इस लकड़ी के जरिए अपने टांके खोलकर पेट के अंदर से ब्लेड निकालती है और अपने आप को यहाँ से आजाद करती है। इस वक्त पर साइकोपैथ उसके पास आता है और पहली लड़की वाला ही सवाल पूछता है कि क्या तुम ये गेम आगे कंटिन्यू रखना चाहोगी? अपनी बेटी के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे इस साइकोपैथ को हाँ बोल देती है, जो सुनने के बाद साइकोपैथ ने दोबारा होप का पेट सी दिया और वो उसे घसीटते हुए अपने कैंप में ले आया। होप बेहोश हो चुकी थी, जब उसे होश आया तो उसके पांव बंधे हुए थे। यह साइकोपैथ जब उसे पानी देता है तो जानवरों की तरह वो उसे पी जाती है, क्योंकि पिछले 5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। वो साइकोपैथ से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में गुस्से में साइकोपैथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आइंदा कभी अपनी बेटी का नाम ना ले लेना, अब तुम्हारी फैमिली सिर्फ मैं हूँ। जो सुन होप बेचैन हो जाती है, वो साइकोपैथ से भीख मांगने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जो सुन ये साइकोपैथ गुस्से में आकर उसे मारता है और उसे कहता है कि अब से तुम्हारा कोई नाम भी नहीं। ये कहने के बाद उसने होप को खाने के लिए आलू दिए और खुद अपने कैंप में जाकर सो गया। होप भी यही जमीन पर पड़ी हुई सो गई। सुबह होने पर साइकोपैथ के उसके सामने गिराने वाले बर्तनों की आवाज से उसकी आंख खुली। वो होप से कह रहा था कि मेरे आने से पहले पहले इन सारे बर्तनों को साफ करके रखना। होप भी चुपचाप काम में लग जाती है और इसी दौरान उसे सामने एक दरख्त से लगा चाकू नजर आता है। इस चाकू की मदद से वो बड़ी आसानी से अपने आप को आजाद भी करवा सकती थी और साइकोपैथ से लड़ भी सकती थी। वो उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू उसकी पहुंच से थोड़ा दूर था, जिसे लेने के लिए अब वो एक लकड़ी का इस्तेमाल करती है। फाइनली चाकू उसके हाथ लग जाता है और तभी उसे साइकोपैथ की आने की आवाज भी आ जाती है। वो चाकू को अपने पीछे छुपा लेती है। साइकोपैथ यहाँ बैठकर उसे बर्तन धोने के इनाम में एक बेरी देता है। वो उसके बहुत करीब बैठा था, वो उसे मार भी सकती थी पर नहीं मारती। और तभी साइकोपैथ भी ये नोटिस कर लेता है कि सामने जो वो चाकू लगा कर गया था वो अब वहाँ नहीं है। ये चाकू असल में होप का इम्तिहान था, जो उठाने की वजह से होप इसमें हार चुकी थी। होप सोचती है साइकोपैथ को क्योंकि चाकू के बारे में पता चल तो चुका ही है, तो क्यों ना उसके ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाऊँ। होप पूरा जोर लगाते हुए होशियारी से इस साइकोपैथ के ऊपर हमला करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि साइकोपैथ आराम से इस हमले से बच चुका था। वो अब होप को मारता है और उसकी टांग पे चाकू रखते हुए उसे धमकी देता है
कि आइंदा कभी ऐसे भागने की कोशिश की या ऐसी कोई भी गलती की तो टांग ऐसी जगह से काटूंगा कि चलने के भी काबिल नहीं रहूंगी। सजा के तौर पर अब वो होप के पांव की जंजीर को उसके गले से बांध चुका था। काफी दिन यूं ही गुजर गए। होप अब ये बात समझ चुकी थी कि साइकोपैथ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। साइकोपैथ उससे अपने सारे काम करवाया करता था, बर्तन धुलवाता था, खाना पकवाता था, यहाँ तक कि छोटी मोटी सब्जियां उगाने का काम भी इस साइकोपैथ ने होप को दे दिया था। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। होप के उगाए पौधों में आखिर फूल उगाए, जिन्हें देखकर होप बहुत खुश हुई और ये देखकर उस साइकोपैथ को गुस्सा आ गया। वो ये फूल तोड़कर होप से कहता है, चलो इसे खाओ। वो होप से जबरदस्ती कहता है, लेकिन होप फूल नहीं खा पाती और फिर वो कहता है कि जिन चीजों को खा नहीं सकते उन चीजों को उगाने का क्या फायदा। अब एक दिन वो होप की जंजीर खोलकर उसे नदी के किनारे ले आता है, जहाँ होप नहाते हुए सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, ज्यादा दिन तो मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से आजाद होने के लिए साइकोपैथ का एतबार जीतना चाहिए। ये फैसला करते हुए अब वो साइकोपैथ के साथ वापस उसके कैंप में आ जाती है। उसकी आंखों के सामने वो खुद अपनी जंजीर को अपने गले में बांधती है और उसके कहे सारे काम करने लग जाती है। होप की इन हरकतों से साइकोपैथ को भी तसल्ली हो चुकी थी। वो रात को होप के पास ही सोया और जब सुबह होप की आंख खुली तब भी साइकोपैथ गहरी नींद में था। वो बड़ी ही आराम से साइकोपैथ की जेब से चाबी निकालती है और अपने आप को आजाद कर लेती है, जिसके बाद अब वो चाकू उठाकर साइकोपैथ के गले पे रख चुकी थी। वो उसे मारकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन एक इंसान को मारना उसके बस में नहीं था। जब वो ना कर पाई तो उसने साइकोपैथ की टांग के ऊपर कट लगा दिया और वहाँ से भाग गई। साइकोपैथ भी उसके पीछे पीछे था। जंगल के दरमियान में ही लकड़ी से बना एक और बॉक्स होप को मिला, जिसके अंदर उसकी बेटी का ब्लैंकेट और बाल थे। वो इसे पकड़कर रोने लग जाती है और पीछे से साइकोपैथ आकर दोबारा उसे पकड़ लेता है। इस मरतबा उसने होप को काफी बुरी सजा दी थी। उसने होप की टांग तोड़ दी इतनी बुरे तरीके से कि उसकी हड्डी बाहर निकल आई, जिसके बाद घसीटते हुए वो होप को कैंप में ले आया और उसकी गर्दन को जंजीर से बांध दिया। होप को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये साइकोपैथ उसका कोई इलाज नहीं करता, बल्कि होप के दिए हुए अपने जख्म को सीने लगता है, जिसके बाद वो होप से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम सारा काम करके रखना। होप दर्द से चिल्ला रही थी। वो साइकोपैथ को कहती है कि प्लीज मुझे मार दो, जिसके जवाब में वो कहता है, ये काम भी तुम खुद ही करो। अपने आप को मारना इतना भी आसान नहीं था। डेड में वो रह नहीं सकती थी, इसलिए पास पड़ी कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो अपना इलाज करना शुरू करती है। अपनी हड्डी को गोश्त के अंदर करती है, एक लकड़ी का सहारा देकर वो उसे बांध देती है, ऐसे जैसे उसने एक प्लास्टर बना लिया था। वो अब इसी टूटी टांग के साथ अपने सारे काम करती थी, शिकार करके लाती थी, खाना बनाती थी, और इसी तरह 8 दिन गुजर गए। 8 दिन बाद वो साइकोपैथ वापस आया। इस मरतबा वो अपने साथ एक और लड़की को लेकर आया था। ये लड़की यहाँ आकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। होप उसे चिल्लाने से मना करती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस फिलहाल चिल्लाओ नहीं। ये लड़की होप की कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में आकर साइकोपैथ इसकी जुबान निकाल कर फेंक देता है। खून उसके मुंह से तेजी से बाहर निकल रहा था और चिल्लाना उसने अभी भी बंद नहीं किया था। अब साइकोपैथ होप को कांप देता है कि इस नई लड़की को भी अपने जैसा बनाए, इन्हें सभी काम सिखाए। और अब साइकोपैथ इस नई लड़की के लिए वो चाकू वाला टेस्ट रखता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये लड़की चाकू उठा लेती तो उसे एक बड़ी सजा मिलती। होप इस लड़की को समझाती है कि उस चाकू को लेने की कोशिश ना करो, वो एक ट्रैप है। इस मरतबा होप की बात मानने की वजह से वो एक बड़ी सजा से बच चुकी थी। हम देखते हैं कि होप के गार्डन में दोबारा से फूल भी उगाए हैं, जिन्हें जब साइकोपैथ दोबारा से तोड़ने की कोशिश करता है तो इस मरतबा होप उसे मना कर देती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि साइकोपैथ होप की बात मानने लगा है, ऐसे जैसे उसने होप को अपना फैमिली मेंबर मान लिया हो। वो होप को अपने ही जैसा अच्छा खाना देता था, लेकिन दूसरी लड़की को नहीं। साइकोपैथ इस लड़की को भी होप की तरह गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन ये लड़की होप से कहीं ज्यादा होशियार थी और बस एक मौके की तलाश में थी। एक दिन जब साइकोपैथ उनके पास आता है तो वो एक सॉक्स में काफी सारे पत्थर भरकर उसके ऊपर हमला कर देती है। उसको बेहोश करके गिराते हुए वो उसकी जेब से अपनी ताले की चाबी निकालती है और अपने आप को आजाद करवा लेती है। उसने होप की भी चाबी निकालकर होप को दे दी थी, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जल्दी ही साइकोपैथ को होश आ चुका था और वो उस लड़की के पीछे भागता है और दूर से उसे शूट कर देता है। लड़की जब इस पहले हमले से नहीं मरती तो साइकोपैथ इस मरतबा उसका गला दबाकर उसे मार चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होप ने भी अपने आप को आजाद करवा लिया था। वो जंगल के दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन पांव टूटा होने की वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पाती और साइकोपैथ के कैंप में वापस आ जाती है, जहाँ इस मरतबा उसने इरादा कर लिया था कि वो हर हाल में साइकोपैथ को मार के रहेगी। वो साइकोपैथ के कैंप से एक लोहे का रोड और अपनी बेटी का टैडी उठा चुकी थी। इसी टाइम पर साइकोपैथ भी यहाँ वापस आ चुका था। उसकी हालत अब काफी अजीब लग रही है। वो यहाँ होप से कहता है कि तुम मुझे मार दो। होप जिससे पहले ही इस साइकोपैथ पे बहुत गुस्सा था, वो इस मरतबा कोई रहम नहीं दिखाती और बहुत ही बेदर्दी से बार बार लोहे का रोड उसके सर पे मार मार कर उसे खत्म कर देती है। मरने से पहले आखिरी लव साइकोपैथ ने ये कहे थे कि जंगल की दूसरी
तरफ न जाना वहाँ खतरा है। पर होप जिसने इतना अरसा इस साइकोपैथ की गुलामी की थी, उसका मर्डर के बाद साइकोपैथ की बात मानने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी बेटी का टेडी लेकर उसी साइड पर निकल जाती है और यहाँ उसे जंगल के दरमियान में एक हट दिखाई देती है। वो जल्दी से इस हट के करीब जाती है और अंदर देखने पे उसे यहाँ अपनी बेटी मिल चुकी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को बचाने के लिए इस हट का दरवाजा खोल देती है। उसके जहन में ये बात भी नहीं आई थी कि साइकोपैथ ने उसे यहाँ खतरा बताया था। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो यहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। पता चलता है कि दरवाजा असल में ट्रैप था। दूसरी तरफ बहुत सी कीले थी जो प्रेशर से उड़ने की वजह से होप के पूरे चेहरे में धस चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी दोनों आंखें भी जाया हो गई थी। वो जो यहाँ अपनी बेटी को बचाने आई थी खुद मरने के करीब हो चुकी थी, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती।